पंजाब के अमृतसर में बॉर्डर से सटे इलाके में सीमा सुरक्षा बल यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने ड्रोन साजिश को नाकाम कर दिया है। बीएसएफ के मुताबिक भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास पाकिस्तान की ओर से आए इस ड्रोन को गोली मारकर जवानों ने किया था ढेर। 12 किलो वजन वाला ये ड्रोन हरे रंग के पैकेट को लिए हुए था जिसमें ड्रग्स होने का संदेह जताया जा रहा है। ड्रोन को बरामद करने के बाद पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन बीएसएफ की ओर से चलाया गया। अब बड़ी बात यह है कि एक हफ्ते के भीतर पाकिस्तान की ये दूसरी ड्रोन साजिश है जिसे बीएसएफ के मुस्तैद जवानों ने नाकाम किया है। ड्रोन घुसपैठ के बढ़ते मामलों को देखते हुए बॉर्डर वाले इलाकों में सुरक्षा एजेंसियों को और ज्यादा चौकन्ना किया गया है। भारत में घुसपैठ कराने के लिए पाकिस्तान कितना बेचैन रहता है इसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है। एक राज्य और दो अलग अलग इलाके, पहले गुरदासपुर और अब अमृतसर। पाकिस्तान की इस ड्रोन वाली साजिश को बीएसएफ के मुस्तैद जवानों ने फिर नाकाम कर दिया है। रात के अंधेरे में इन ड्रोन्स का इस्तेमाल कभी ड्रग्स की तस्करी के लिए तो कभी हथियारों की तस्करी के लिए पाकिस्तान ने किया, लेकिन भारत पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर पर तैनात बीएसएफ के जवानों की चौकन्नी निगाहों से दोनों ही बार ये ड्रोन बच नहीं पाए। ताजा घटना अमृतसर के रानिया इलाके की है जहां रात के वक्त 4 प्रोपेलर वाले इस ड्रोन ने घुसपैठ की कोशिश की, जिसकी भनक लगते ही बीएसएफ जवान फौरन एक्शन में आए और उन्होंने बिना वक्त गवाए ड्रोन को ढेर कर दिया। बीएसएफ की ड्रोन हंटिंग टीम ने इन दोनों ड्रोन को गिरा दिया है। सूत्र बताते हैं कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने इंटरनेशनल बॉर्डर और एलओसी के उस पार ड्रोन हब बना रखे हैं, जहां से ज्यादा मात्रा में ड्रोन उड़ाए जा रहे हैं और इसमें हथियार और ड्रग्स भेजे जाते हैं। जानकारी ये भी है कि पाकिस्तान सुरक्षा बलों को चकमा देने के लिए डमी ड्रोन उड़ाता है। इसका मकसद ये है कि एक ड्रोन जिसमें किसी भी तरीके के हथियार और गोला बारूद नहीं होते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा ड्रोन जो कि हथियार और गोला बारूद से लैस होता है। इन ड्रोन के जरिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई बर्फबारी होने से पहले ज़्यादा संख्या में हथियार और ड्रग्स भेजना चाहता है। बीएसएफ की 22 बटालियन के जवानों ने इस ड्रोन को अपने कब्जे में लेकर तलाशी ली तो इसमें हरे रंग का पैकेट बंधा हुआ पाया गया। इसके अंदर से हेरोइन के 2 पैकेट बरामद किए गए हैं। ये ड्रोन करीब 12 किलो वजनी बताया जा रहा है, जिसे बरामद करने के बाद बीएसएफ जवानों ने पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया और ये तसल्ली की कि कहीं ड्रग्स के साथ हथियार तो बॉर्डर पार से नहीं भेजे गए। पिछले कुछ समय से पाकिस्तान से ड्रोन की गतिविधि काफी बढ़ गई है। ये हमारे जवानों के लिए एक नया चैलेंज है। इसी तरह की घटना रात को ड्रोन की गतिविधि हुई, हमारे जवानों ने ड्रोन की आवाज़ सुनी। आवाज़ सुनने के दौरान हमारे जवानों ने 7 राउंड लाइव फायर किए, एक इलू बम फायर किया इलाके में रोशनी करने के लिए, जिससे कि ड्रोन को हिट हुआ और ड्रोन नीचे ज़मीन पर आके गिरा। हमारे जवानों ने इस इलाके को घेराबंदी किया। घेराबंदी करने के बाद 1 घंटे बाद हमने इलाके को सर्च किया। सर्च के दौरान एक ड्रोन जो कि पाकिस्तान से आया था और 2 किलो हेरोइन प्राप्त की है। बड़ी बात यह है कि 3 दिन के भीतर ये दूसरी घटना है जब पाकिस्तानी ड्रोन ने भारतीय सीमा में दाखिल होने की कोशिश की। इससे पहले 14 तारीख को गुरदासपुर के बॉर्डर वाले इलाके में बीएसएफ के चौकन्ने जवानों ने जैसे ही ड्रोन की आवाज सुनी तो उन्होंने फायरिंग कर ड्रोन को नीचे गिरा दिया। तो हमारे कंपनी कमांडर राकेश और इंस्पेक्टर कमलेश दौड़ते हुए पीछे के इलाके में आए तो इन्होंने रस्सी के साथ बंधे हुए इस ड्रोन को देखा। ये हेक्साकॉप्टर है और बताता है कि पाकिस्तान किस तरह से नापाक चालें चल रहा है और किस तरह से इंडिया में लगातार ड्रग्स को और हथियार को भेज रहा है। बीएसएफ के अधिकारी का ये बयान बताने के लिए काफी है कि सीमा पार से लगातार हिंदुस्तान के खिलाफ ड्रग्स और हथियारों वाली साजिश रची जा रही है और अब ये घटनाएं आम होती जा रही हैं।
कुछ रोज पहले ही पंजाब पुलिस ने भी सीमा पर ड्रोन के जरिए हथियारों की तस्करी के मॉड्यूल का पर्दाफाश किया था और खतरनाक हथियारों के साथ चार लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिनके पास से एक MP4 राइफल, 17 पिस्टल, 10 मैगजीन और गोला बारूद के साथ आरोपियों के पास से करीब 1 करोड़ रुपए नकद और 500 ग्राम हेरोइन बरामद की गई थी। हाल के दिनों में जिस तरह से पाकिस्तानी ड्रोन के घुसपैठ की घटनाएं फिर से बढ़ी हैं, उसे देखते हुए पंजाब, राजस्थान और जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियां और अलर्ट हो गई हैं, ताकि पाकिस्तान की नापाक साजिशों को वक्त रहते नाकाम किया जा सके।